साथियों, कांग्रेस के करप्शन कल्चर का सबसे अधिक नुकसान देश के छोटे किसानों को भी झेलना पड़ा है। वोट पाने के लिए कांग्रेस ने लंबे समय तक कर्ज माफी के कार्ड खेले, लेकिन छोटे किसान उनको तो बैंक का दरवाजा भी कभी देखने को मिला नहीं। बेचारे को कर्ज कहां मिलेगा, अरे उसका तो खाता भी नहीं खुला था, इसलिए उनको कर्ज माफी का तो कोई लाभ मिलता ही नहीं था। कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस अपने ही लोगों की तिजोरियां भरती थी। ये कांग्रेस के काम करने का तरीका था, लेकिन किसानों के लिए समर्पित डबल इंजन सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की। किसानों के हक का पैसा सीधा उसके बैंक अकाउंट में पहुंचने लगा। आप कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ बेलगावी जिले के किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि का करीब 1300 करोड़ रुपया पहुंचा है। इतनी बड़ी राशि केवल इस एक जिले में आई है। कांग्रेस की सरकार होती तो सारा पैसा लूट जाता, कभी किसानों तक नहीं पहुंचता। साथियों, कांग्रेस ने हमारे कोऑपरेटिव्स के साथ कैसा व्यवहार किया है, मैं आज ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि एक क्षेत्र है जहां कोऑपरेटिव का बहुत काम रहा है। हमारे कोऑपरेटिव्स ग्रामीण महिलाओं किसानों की ताकत है, इसके बावजूद उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था। जब टैक्स छूट थी की बात आती थी तो हमारी सहकारी समितियों के साथ भेदभाव किया जाता था, लेकिन अब हमारी सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर को भी टैक्स छूट का लाभ दिया है। इससे उनके पास ज्यादा पैसे की बचत होने लगी है। इस बदलाव से मैन्युफैक्चरिंग करने वाली और करने वाले के लिए नई सहकारी समितियों को बढ़ावा मिला है और रोजगार के हजारों अवसर तैयार हुए हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस सरकार कैसे काम करती है, इसका एक और उदाहरण है गन्ने की खेती के साथ उन्होंने क्या किया। इस क्षेत्र की पहचान तो सक्करे जिले के रूप में होती है। ये हमारे जीवन में मिठास घोलने वाले किसानों की भूमि है, लेकिन कांग्रेस के करप्शन काल में गन्ना किसान हर स्थिति में परेशान था। सूखा पड़ गया तब गन्ना किसान परेशान, पैदावार बढ़ गई तब गन्ना किसान परेशान, पैदावार घट गई तब गन्ना किसान परेशान। एक तो कांग्रेस के काल में एफआरपी कम मिलता था, दूसरा गन्ने का बकाया सालों साल तक चलता रहता था। कई सहकारी समितियां बिल्कुल ठप हो गई थी। बीजेपी की सरकार ने गन्ना कोऑपरेटिव उसे सशक्त करने के लिए कदम उठाए। इसी वर्ष के केंद्र के बजट में 10,000 करोड़ रुपए की मदद गन्ना सहकारी समितियों के लिए तय की गई। प्रयास यही है कि गन्ना किसानों को समय पर भुगतान हो सके। साथियों, हमने चीनी के अलावा भी गन्ने का वैकल्पिक उपयोग को भी बढ़ावा दिया। दुनिया में
गन्ने से इथेनॉल बनाने की तकनीक बहुत पुरानी है, पहले आ गई थी। 2014 से पहले के 10 सालों में कांग्रेस की सरकार सोई हुई थी, ना तो इथेनॉल उत्पादन पर फोकस किया और न ही गाड़ियों में इथेनॉल के उपयोग के लिए नीतियां बनाई। बीजेपी सरकार ने बीते 9 वर्षों में गन्ने से इथेनॉल का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। इसके चलते गन्ना किसानों को बेहतर कीमत मिली। अब हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जो पैसा देश से बाहर जाता था, वो पैसा अब किसानों के पास जा रहा है।